नमस्कार, लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। पश्चिमी देशों से होता हुआ मीटू कैंपेन अब भारत पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों में हमने बड़े नेताओं और अभिनेताओं को इसमें फंसते देखा है, लेकिन शायद पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने इसके चलते खुदकुशी की है। देखिए ये रिपोर्ट। जेनपैक्ट कंपनी के असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट स्वरूप राज ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही स्वरूप राज पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद कंपनी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। स्वरूप राज ने पत्नी के नाम लिखे सुसाइड नोट में लिखा है कि वह उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, उन्हें ऑफिस की ही लड़कियों ने झूठा फंसाया है। यदि जाँच में उनको निर्दोष भी घोषित कर दिया गया, फिर भी आरोप लगने की वजह से लोग उनको शक की निगाह से देखेंगे। इस तरह वो कैसे दोबारा कंपनी जाएंगे? मालूम हो कि स्वरूप राज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर कंपनी ने उनको जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया था। स्वरूप राज एर्नाकुलम केरल के रहने वाले थे। वह नोएडा में पैरामाउंट सोसाइटी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। स्वरूप की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि उन पर लगे आरोपों के कारण पत्नी की समाज में इज्जत कम होगी, वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि स्वरूप राज को कंपनी मैनेजमेंट ने जांच पूरी होने तक उनको नौकरी से निलंबित कर रखा है और कंपनी की तरफ से दिया गया लैपटॉप भी वापस ले लिया गया है। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद कंपनी प्रबंधन ने जांच पूरी होने तक कंपनी के किसी भी कार्य में हिस्सा नहीं लेने की बात स्वरूप से कही थी, जिस कारण वह मानसिक रूप से परेशान थे। उन्होंने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी जब घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्वरूप का शव पंखे से लटका हुआ है। पत्नी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। स्वरूप 2007 से जेनपैक्ट में काम कर रहे थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ इसी दफ्तर में काम करती थी। करीब 2 साल पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।